नमस्ते शिवाय, गुड इवनिंग सब मेरे टुकड़ा के लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज देने के लिए मैं ज़्यादा समय किसी का नहीं लूँगा, सिर्फ आपको ये एक बात क्लियर करने के लिए कि हमने एक बात क्लियरली लिखा है सबके सामने कि जब तक हमें राइटिंग में हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन राइटिंग में नहीं दिया जाएगा, हम कोई भी पार्टी के साथ अलायंस नहीं करेंगे। ये बीजेपी हो, सीपीएम हो, कांग्रेस हो, जब तक, क्योंकि मैंने मीडिया में सुना है कि सब लोग कह रहे हैं कि हमारा अलायंस हो गया है, हमारा अलायंस किसी पार्टी के साथ नहीं हुआ है। और जब तक हमारा डिमांड वो कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन का डिमांड राइटिंग में नहीं दिया गया, तब तक हम किसी के साथ भी अलायंस नहीं करेंगे। अकेला फाइट करेंगे और जीतेंगे तो जीतेंगे, हारेंगे तो हारेंगे, लेकिन वन लास्ट फाइट तो करेंगे। ये मेरा मैसेज मेरे पूरे वॉरियर्स को है। और जो मीडिया में जो लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं, मैं उनको एक बात बोलना चाहता हूँ, हम यहाँ तक आए हैं क्योंकि हमने अपने लोगों को विश्वास दिलाया था कि हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम लास्ट में अपने लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन दिलाकर ही रहेंगे। हमारा डिमांड कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर नहीं, हमारा डिमांड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। और एक बात तो पक्का है कि हमने कभी भी कोई कानून नहीं तोड़ा और हम कोई कम्युनिटी के खिलाफ नहीं। हम चाहते हैं कि हमारा अधिकार आए, किसी का अधिकार ना जाए। लेकिन जो मैंने देखा है कि मीडिया में बहुत स्पेकुलेशन हो रहा है कि मैं बीजेपी के संग जा रहा हूँ, कभी किसी और पार्टी के संग, सीपीएम के संग जा रहा हूँ या कांग्रेस के संग जा रहा हूँ, मैं किसी के साथ नहीं जा रहा हूँ। हम राइटिंग में हम चाहेंगे कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन को दिया जाए, और अगर नहीं दिया गया तो हम किसी पार्टी के साथ भी अलायंस नहीं। जो गलती 2018 में IPFT ने किया, वो गलती हम 2023 में नहीं करेंगे। हमारे लोगों को बहुत धोखा दिया गया है पहले भी, और हम आने वाले दिन में अपने लोगों को विश्वासघात नहीं कर सकते। हमें जवाब देना है अपने लोगों को, हमें अपने लोगों को बोलना है कि हम इतने दिन तक हमने फाइट किया और आखिर में बिना राइटिंग का हम किसी के संग अलायंस करेंगे तो ये विश्वासघात होगा, मुबागरा ये होने नहीं। तो मैं अनुरोध करता हूँ सबको कि आप ये सब बात में मत जाइए। और हाँ, आने वाले एक दो दिन में मैं IPFT से आज बात कर रहा हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि IPFT भी थानसा होकर एक पार्टी बनकर हम लोग एक संग आने वाले दिन में लड़ेंगे। मैं आशा करता हूँ कि कुछ अच्छा खबर आएगा और IPFT और तीसरा मौका भी एक हो जाएगा। लेकिन इसके बाद और भी कोई मीडिया हाउस अगर ये बात फैलाता है कि हम BJP के साथ अलायंस कर रहे हैं या कांग्रेस के साथ या CPM के साथ, ये गलत बात, क्योंकि हमको राइटिंग में अलायंस चाहिए। अगर राइटिंग में नहीं दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन और आर कोर डिमांड, तब तक हम किसी पार्टी से अलायंस नहीं करेंगे। बेलाई बेलाई नो हम बाय। और मुझे लगता है कि इसके बाद और कोई सवाल इधर उधर का नहीं होना चाहिए। हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे अपने लोगों का भविष्य के लिए, अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए। बेलाई नो हम बाय। खुलूंगा।